good morning students i am indajitkar your english teacher today we have english literature class welcome back after your exams okay today we start with the sixth chapter of english literature feathered friends feathered friends means punk vale dost feathers means punk feathered means punk दिस इज़ अ बर्ड इट इज स्पेशल यू सी दिस मतलब ये ये एक बर्ड है ये स्पेशल है जब हम उसे देखोगे तो एंड इट इज़ क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम यू एंड मी और ये बिल्कुल अलग है हम से यह क्या है और ये बिल्कुल अलग है फ्रॉम यू एंड मी आपसे और मुझ में से हम दोनों में से ये अलग है अ बर्ड हैज विंग्स एंड अ वेरी फाइन टेल जो बर्ड होती है उसके पंख होते हैं जो की हमारे नहीं होते हैं एंड अ वेरी फाइन टेल और एक पूछ होती है उसकी छोटी सी जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हो अ बर्ड हेज विंग्स एंड अ वेरी फाइन टेल टू हेल्प इट फ्लाय एंड स्विप एंड सेल जो उसकी विंग्स और टेल होती है वो उसकी हेल्प करते हैं मदद करते हैं फ्लाई करने में उड़ने में स्वीप मतलब ऊपर से अचानक नीचे की ओर उड़ना जब ऊपर से नीचे की अचानक आते हैं आकाश में उड़ना या चलना जो पक्षी होते हैं बर्ड्स होती हैं वो क्या करती हैं आकाश में आकाश मतलब आसमान उसमें वो ऊपर नीचे उड़ते हैं अपने इन पंखों की मदद से और इस टेल की मदद से हैज़ फीदर्स एंड अ बीक डैट इज स्ट्रोंग जो पक्षी होते हैं उनके फीदर्स होते हैं पंख होते हैं और एक उसकी चोंच होती है जो कि बहुत मजबूत होती है स्ट्रोंग मीन्स मजबूत होती है इट माइट इट सीड्स और बग्स और वॉम्स डैट आर लॉन्ग और वो क्या खाते हैं ईट मतलब खाना बीज खाते हैं बग्स जो कीड़े होते हैं मकोड़े होते हैं कीड़े मकोड़े उनको खाते हैं वॉम्स जो होते हैं वो लंबे लंबे कीड़े होते हैं जो जमीन के मिट्टी में होते हैं जो बर्ड्स उनको खा लेते हैं अपनी बीक की मदद से एंड और व्हेन स्प्रिंग टाइम्स कम्स जब स्प्रिंग टाइम्स में बाहर वसंत का मौसम कम्स मतलब आता है अ बर्ड बिल्ड्स अ नेस्ट वो क्या बनाते हैं अपना घोंसला बनाते हैं नेस्ट मीन घोंसला घोंसला बनाते हैं टू ले इट्स एग्स इन ताकि वो उसमें अपने अंडे दे सके एग्स को ठीक है And